अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे इस्लामियात 201 समर सेमेस्टर डीडीबी सॉल्यूशन 2024। इसका डीडीबी का ओपन है, उस पास हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। फेथ इन अल्लाह इज़ रूटेड इन स्पेसिफिक कोर बिलीव डेट फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम्स रिलीजन रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल लाइफ। दीज बिलीव गाइड्स अ बिलीवर एक्शन थाट एंड रिलेशनशिप विद अल्लाह, प्रोवाइडिंग अ कम्प्रीहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर रोल इन द वर्ल्ड। कि अल्लाह पर ईमान जो है वो हमारी जड़ों में है और वो मुसलमानों की मजहबी और रूहानी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। दिस बिलीव गाइड्स आर बिलीवर्स एक्शन, जो उनसे ये ईमान जो है उसका वो उस बिलीवर के एक्शंस में नज़र आता है, उसकी सोचों में नज़र आता है और उसका जो अल्लाह ताला के साथ रिलेशनशिप है उसमें नज़र आता है कि वो फ्रेमवर्क है कि वो किस तरह एंड अपनी ज़िंदगी गुजारेगा इस दुनिया में। कीपिंग इन व्यू द अबव स्टेटमेंट डिस्कस हो मैनी की एलिमेंट फ्रॉम द बेसिस प्रिंसिपल ऑफ फेथ इन अल्लाह। कि ऊपर जो स्टेटमेंट है उसको अपने जहन में रखते हुए आपकी एलिमेंट या बेसिक प्रिंसिपल बताएं अल्लाह ताला पर ईमान के। सॉल्यूशन हमारे पास है नीचे, फेथ इन अल्लाह एज पार्ट ऑफ इस्लामिक बिलीफ इज़ बेस्ड ऑन सेवरल की एलिमेंट्स डैट फॉर्म द फाउंडेशन प्रिंसिपल्स ऑफ अ मुस्लिम्स फेथ। दीज एलिमेंट्स आर ऑफन रेफर टू एज द आर्टिकल ऑफ फेथ इन इस्लाम। देर आर सिक्स मेन कंपोनेंट। कि अल्लाह ताला पर ईमान इस्लाम का पहला अकायद है, ये मेन जो अकायद इस्लाम के हैं उनमें से पहला ये है कि अल्लाह ताला पर ईमान होना चाहिए और इसको हम इंग्लिश वैसे भी आर्टिकल्स ऑफ फेथ भी बोलते हैं। इसके छह मेन कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है बिलीफ इन अल्लाह, अल्लाह ताला पर ईमान। द वननेस ऑफ अल्लाह तौहीद इज़ द कोर बिलीफ इन इस्लाम। मुस्लिम बिलीव्स दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड हु इज़ द क्रिएटर एंड सस्टेनर ऑफ द यूनिवर्स। मुसलमान इस बात अल्लाह ताला एक है और ये इस्लाम का पहला रुकन है और ये मेन बात है कि अल्लाह ताला एक है, वो तौहीद है, वो वाहिद है, उसके अलावा कोई दुनिया को चलाने वाला और कोई नहीं है। मुस्लिम बिलीव दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड हु इज़ क्रिएटेड एंड सस्टेनर ऑफ द यूनिवर्स। मुसलमान इस बात पर यकीन करते हैं कि अल्लाह सिर्फ एक है, उसी ने इस दुनिया को बनाया है और वही इस यूनिवर्स को चला रहा है, उसके अलावा और कोई भी नहीं है। बिलीव इन एंजल्स, फरिश्तों पर ईमान, ये सेकेंड है। मुस्लिम बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ एंजल्स क्रिएटेड बाय अल्लाह फ्रॉम लाइट हु कैरी आउट वेरियस टास्क इंक्लूडिंग डिलीवरिंग रिविलेशंस एंड रिकॉर्डिंग ह्यूमन डीड्स। कि मुसलमान फरिश्तों के होने पर यकीन रखते हैं, वो ये यकीन अल्लाह ताला ने उनको नूर से बनाया है और वो बहुत से काम सर अंजाम देते हैं, उनमें पहला जो है वो वही पहुँचाते हैं और दूसरा रिकॉर्डिंग ह्यूमन डीड्स, मुसलमानों के जो अमाल हैं या इंसान के जो अमाल हैं उसको वो गिन रहे हैं, कौन से अच्छे अमाल कर रहा है, कौन से बुरे अमाल कर रहा है। थर्ड हमारे पास है बिलीव इन द होली बुक्स, मुस्लिम बिलीव इन द स्क्रिप्चर्स रिवील्ड बाय अल्लाह इंक्लूडिंग द तौरा टू हज़रत मूसा, यहाँ पे आप हज़रत मूसा भी लिख सकते हैं, पसलम्स, ये यहाँ पर ज़बूर है जो दूसरी आसमानी का किताब ज़बूर टू हज़रत दाऊद, आप यहाँ पर हज़रत दाऊद लिख सकते हैं, गोस्पल टू जेसस, तौरात इंजील हज़रत ईसा पे, एंड द कुरान टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विच इज़ कंसिडर्ड द फाइनल एंड कंप्लीट रेवलेशन। कि मुसलमान इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला ने इस आसमानी किताबें उतारी, उनमें तौरात ज़बूर इंजील थी, तौरात हज़रत मूसा पे नाजिल हुई थी, ज़बूर हज़रत दाऊद पे और इंजील हज़रत ईसा पे, और कुरान पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था और ये ही मुकम्मल किताब है कुरान मजीद। बिलीव इन प्रॉफिट, रसूलों पर ईमान, मुस्लिम बिलीव डैट अल्लाह हैज़ सेंट प्रॉफिट टू गाइड ह्यूमैनिटी। दीज प्रॉफिट इंक्लूड फिगर्स लाइक आदम, नूह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु इज़ कंसिडर्ड टू द लास्ट प्रॉफिट। के हम मुसलमान इस बात पर भी यकीन रखती है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों की भलाई के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए अल्लाह ने अपने नबी भेजे, उनमें हज़रत आदम थे, हज़रत नूह थे, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, हज़रत मूसा थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। बिलीव इन द डे ऑफ जजमेंट, मुस्लिम बिलीव इन अ डे वेयर ऑल इंडिविजुअल विल बी
resurrected and held accountable for their action in this life, leading to rewards or punishment in afterlife. मुसलमान इस बात पर भी यकीन रख मुसलमान क़्यामत के दिन पर भी यकीन रखते हैं. मुसलमान इस दिन पर यकीन रखते हैं कि सब मुसलमान दोबारा पैदा किए जाएंगे और जो कुछ उन्होंने ज़िंदगी में किया है उसका इनाम या उसकी सज़ा वो अपनी ज़िंदगी के बाद ख़त्म होने के बाद दोबारा ज़िंदा होकर देंगे. बिलीव इन डिवाइन डिक्री कदर, मतलब अपनी किस्मत या तकदीर पर ईमान. दिस प्रिंसिपल इन्वॉल्व बिलीव इन अल्लाह, डिवाइन विल एंड प्रेजेंटेशन, मीनिंग डैट एवरी थिंग डैट हैपन्स इन इज़ बाई अल्लाहज नॉलेज एंड डिक्री. के मुसलमान इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि जो हमारी किस्मत है वो अल्लाह ताला ने लिखी है और जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह के इल्म में है और वो हमारी किस्मत में है और वो चीज़ों को ठीक करने में भी कादिर है. दीज सिक्स एलिमेंट्स फॉर्म द बेसिक ऑफ फेथ इन अल्लाह, गाइडिंग अ बिलीवर्स एक्शन, थॉट्स एंड ओवरऑल रिलेशनशिप विद देयर क्रिएटर. ये जो छः नुकात हैं ये हमारे अल्लाह पर ईमान की बेसिस हैं और ये बिलीवर्स के एक्शन, थॉट्स और ओवरऑल देयर रिलेशनशिप क्रिएटर, मतलब अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक को बयान करते हैं. ये थी वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. अल्लाह हाफिज़.